अनोखी सी कला। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म यानी ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य के लिए कोई योग्य वारिस नहीं मिल पा रहा है। राजा का बच्चा छोटा है, इसीलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिससे राज्य संभालने के सारे गुण होंगे, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह संभाल कौन सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य का बागडोर आपके हाथों सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े से पैसे ले लूंगा जिससे मेरी बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक भी पैसा क्यों लेने दूं? राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उसे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे लिए नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह ले जाओ। एक वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा तो बहुत ही ज्यादा खुश था, अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था, अब उसे कोई चिंता नहीं थी। इस कहानी से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं, राज्य वही था, काम वही था, सिर्फ दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी जीवन में अपने दृष्टिकोण बदले, मालिक बनकर नहीं बल्कि यह सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर का नौकर हूँ, अब ईश्वर ही जाने, पर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर ही आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। आपने देखा ही होगा, कभी कोई नौकर को कोई चिंता होती भी है,